हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रकैडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रणव कुमार और टुडे वी आर गोइंग टू टेक अ लाइव सेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स डिटरमिनेशंस ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के तमाम सीरीज आपके सामने चल रहा है और ये है पार्ट थ्री का वीडियोस जिसमें हम टॉपिक कंटेंट कवर कर रहे हैं एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस डिमांड में हम लोग देखेंगे कि एक्सेस डिमांड होने का कारण क्या है एंड व्हाट आर द सर्टेन प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग एक्सेस डिमांड। देखो, डिमांड एक्सेस होना या डिमांड कम होना दोनों खतरनाक होता है, क्योंकि इसलिए कहा जाता है लाइफ की रफ्तार एवरेज होना चाहिए, एवरेज इकोनॉमी पर कोई भी रफ्तार चलना चाहिए। ना एक्सेस अच्छा है ना डेफिशिएट अच्छा है। तो फिर से स्वागत है आपका प्रकैडमी में मैं हूँ प्रणव कुमार और मैं हूँ आपका मेंटर, मैं हूँ आपका सीरीज ले रहा हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का और ये है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के पार्ट थ्री वीडियोज। जो भी हमारे बच्चे हमारे पार्ट वन और पार्ट टू वीडियोस डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के नहीं देखे हैं, कृपया वो हमारे प्रकैडमी के प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस को व्यू करें और वहां पर पार्ट वन और पार्ट टू वीडियोस को चेकआउट कर लें। और जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सेशंस। तो है टॉपिक है हमारा एक्सेस डिमांड। तो वही कह रहे हैं कि जब हमारा जो रफ्तार है एवरेज होता है तो मज़ा होता है, एवरेज से ज़्यादा अगर बढ़ चढ़ कर हम कोई काम करते हैं तो वो हमारे लिए सजा हो जाता है, एवरेज से बिलो काम करते हैं तो वो भी सजा होता है। इसी के लिए आज के कंटेंट में हम कवर करेंगे एक्सेस डिमांड और डेफिशिएट डिमांड, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा व्हाट आर द रीज़न फॉर एक्सेस डिमांड एंड व्हाट आर द रीज़न फॉर डेफिशिएट डिमांड। फिर मैं थर्ड स्टेप में बताऊंगा व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम्स होता है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सेस डिमांड एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस एंड प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएट डिमांड। तो चलिए एक्सेस डिमांड को प्रॉपरली ग्राफ से भी समझेंगे, थ्योरी से समझेंगे, सारी चीज से समझेंगे। तो कंटिन्यूटी बनाए रखें, ध्यान से समझें, कंसंट्रेट रहें, समझने की कोशिश करें, तमाम सारी चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा और ईजी से ईजी वे में मैं आपको चीज़ों को समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, इसलिए ध्यान दीजिए। एक्सेस डिमांड क्या होता है सर? तो इसका एक मैं ऐसे ग्राफ बना दूं, तो AD इज ग्रेटर देन AS। मैंने जब पढ़ा रहा था शॉर्ट इक्विलिब्रियम आउटपुट, तो वहां मैंने आपको ग्राफ से भी समझाया था और मैंने समझाया था एक्सेस डिमांड होता क्या है। एक्सेस डिमांड का मतलब होता है डिमांड बढ़ जाना इन कंपैरिजन टू सप्लाई। सप्लाई हम भेज रहे हैं लेकिन हमारा डिमांड ऊपर है। जैसे कि समय आया था वो लॉकडाउन का समय, जब सैनिटाइजर का डिमांड कॉन्स्टेंटली हाई पिक पर चल गया था, सप्लाई कम जा रहा था, मतलब सप्लाई हो रहा था लेकिन डिमांड बहुत एक्सेस रेट पर ऊपर चला गया, तो उस पीरियड में हम सैनिटाइजर के क्या कह रहे थे? एक्सेस डिमांड। उसको कह रहे थे कि दिस इज द एक्सेस डिमांड ऑफ सैनिटाइजर। इसी के लिए कह रहे हैं कि जो सप्लाई हो रहा है अगर उससे ऊपर भी डिमांड फ्लो कर रहा है तो हमारा एक्सेस डिमांड के नेचर को वो दर्शाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस में क्या है? इट रेफर्स टू द सिचुएशन। एक्सेस डिमांड इज अ सिचुएशन बेस्ड। इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। वही चीज मैंने लिखा कि ये सिचुएशन वो है जहां पर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होता है एग्रीगेट सप्लाई से, corresponding to full employment level of output in the economy। ये full employment level मतलब क्या होता है कि जैसे हमने economy में भरपूर production करके market में product को release किया। ध्यान समझना full employment का मतलब। full employment का मतलब होता है कि maximum level पर हमने production करके market में product को launch किया, लेकिन फिर भी demand है जो ऊपर है। जैसे मैंने अभी सैनिटाइजर का एग्जांपल लिया, तो सैनिटाइजर का लॉकडाउन में सैनिटाइजर प्रोड्यूस हो रहा था लेकिन जितना प्रोडक्शन हो रहा था उससे ऊपर भी लोगों का डिमांड हो रहा था, इससे के लिए सैनिटाइजर का प्राइस हाई हुआ था। अगर याद होगा आपको तो सैनिटाइजर का कॉन्स्टेंटली पीक रेट पर आपका प्राइस बूम कर गया था। ठीक है, तो यही कहते हैं when there is a aggregate demand is more than the aggregate supply it's known as excess demand। और excess demand कैसे हम measure करेंगे? तो measure ये करना है कि जो हमारा maximum supply है,
जो हम प्रोडक्शंस करके मैक्सिमम सप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिमांड फ्लो कर रहा है तो हमारा एक्सेस डिमांड होगा। इन अदर वर्ड में हम समझने की कोशिश करेंगे, इन अदर वर्ड एक्सेस डिमांड रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड बिकम हायर, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड बिकम हायर देन द अमाउंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड मतलब एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड को हम ए डी डैश मानेंगे और जो आपका ये प्लांट ये हायर देन द अमाउंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड प्लांट, अगर प्लांट डिमांड से भी हायर ऊपर में डिमांड जा रहा है तो हम उसको कहेंगे एक्सेस डिमांड। कहने का मतलब है कि एडी मेरा प्लांट डिमांड है, एडी हमारा क्या है प्लांट डिमांड है, एडी हमारा प्लांट डिमांड है और एडी डैश हमारा एक्चुअल डिमांड है, एक्चुअल डिमांड है। हमने प्लान किया था कि हमारा सैनिटाइजर का डिमांड जो है वो 100 जाएगा, 100 डिमांड जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ये हमारा प्लान डिमांड था। लेकिन एडी डैश मतलब एक्चुअल डिमांड हमारा चल गया 200, एडी डैश कहाँ चल गया 200। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि व्हेन एडी डैश इज ग्रेटर देन एडी तो ये भी आपका कहेगा दिस इज अ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का बस यहाँ ये मतलब है कि जब आपका एक्चुअल डिमांड प्लान डिमांड से ज़्यादा हो जाए, जब आपका एक्चुअल डिमांड प्लान डिमांड से ज़्यादा हो जाए तो वो हमारा एक्सेस डिमांड के कैटेगरी में आएगा। तो दो डेफिनेशन एक्सेस डिमांड को समझाया। पहला डेफिनेशन समझाया कि व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, एक्सेस डिमांड। सेकेंड डेफिनेशन समझाया व्हेन योर एक्चुअल डिमांड इज ग्रेटर देन या हायर देन प्लान डिमांड। आपने प्लान किया था 100 बोतल ऑफ सैनिटाइजर मार्केट में देंगे, फुलफिल हो जाएगा डिमांड, लेकिन 100 बोतल से काम नहीं चला, आपका एक्चुअल डिमांड 200 बोतल तक चला गया। तो ये 200 बोतल तक जो आपका जो डिमांड गया ये एक्चुअल डिमांड है, लेकिन आपने प्लान क्या कर रखा था 100 बोतल। तो आपने प्लान किया था 100 बोतल ऑफ सैनिटाइजर रिलीज हो मार्केट में, लेकिन डिमांड चल गया 200 बोतल ऑफ सैनिटाइजर, तो ये जो गैप आया इसको कहेंगे एक्सेस डिमांड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और यही जो गैप बनता है डिमांड एडी और एडी डैश में जो गैप बनता है उसी को हम एक्सेस डिमांड को कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। ये जो एक्सेस डिमांड के कारण जो गैप बनता है उसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। तो याद रखिएगा एक्सेस डिमांड में क्या कौन सा गैप बनता है, इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब है कि महंगाई बढ़ गया, इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब है महंगाई बढ़ गया। ये बात जान लेना, डिमांड अगर एक्सेस बढ़ जाएगा महंगाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास पैसा है। देखो बात हुआ क्या ना, मेरे पास पैसा है, हम मार्केट में जा रहे हैं पैसा सप्लाई कर रहे हैं मार्केट में, तो जब मार्केट में पैसा का सप्लाई तेजी से बढ़ेगा इन्फ्लेशन बढ़ता है, जब मार्केट में पैसा का सप्लाई बढ़ेगा इन्फ्लेशन रीच करेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा महंगाई बढ़ेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, दोनों फैक्टर काम कर रहा है, एग्रीगेट डिमांड सप्लाई से ही बढ़ रहा है पहला, दूसरा आप जो प्लान किए हो डिमांड वो नहीं हुआ, एक्चुअल डिमांड आपके प्लान डिमांड से ऊपर चल रहा है। मतलब एक्चुअली आपने क्या डिमांड, एक्चुअल डिमांड आप क्या सोचे थे कि 100 बोतल ऑफ सैनिटाइजर लगेगा, लेकिन सॉरी प्लान डिमांड आपका क्या था, आपने क्या प्लान किया था कि 100 बोतल ऑफ सैनिटाइजर लगेगा, लेकिन एक्चुअली में डिमांड कहां चल गया 200 बोतल। तो ये क्या हो गया, 200 बोतल तक चल गया, तो इससे क्या हो गया बोतल का डिमांड और होने लगा, जिसके कारण प्राइस राइज हुआ, तो इन्फ्लेशन बढ़ा था ना, वही चीज़ बोल रहे हैं, बोतल का दाम बढ़ा था ना, बोतल पर दाम बढ़ा, सैनिटाइजर का दाम बढ़ा। तो सैनिटाइजर अगर 80 रुपये का है वो 200 रुपये में बिकने लगा, 100 रुपये में बिकने लगा, 150 रुपये में बिकने लगा वही बोतल, तो वो बोतल जो 80 रुपये का है उसका दाम 200 हो गया। तो ये क्या है, इन्फ्लेशन को शो कर रहा है ना, महंगाई बढ़ गया। तो एक्सेस डिमांड विल राइज द इन्फ्लेशन, ठीक है। अब ये इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है सर, इसको चीज को समझाइए सर, बिल्कुल समझिए इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, फिर हम डायग्राम से भी समझेंगे। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है सर, इन्फ्लेशनरी गैप रेफर्स टू ए गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड द एग्रीगेट डिमांड। एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जो है वो आपका एक्सीड कर जाता है एग्रीगेट डिमांड से, वही एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, यहाँ पर एडी डैश बोलिए और एग्रीगेट डिमांड एडी बोलिए। एडी जो नॉर्मल डिमांड जो हम मान के चल रहे थे कि यही डिमांड रहेगा, लेकिन उससे ऊपर आपका एडी डैश चला गया, मतलब आपका एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड ऊपर चल गया। रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हुए
ये किया गया जिसमें इन्फ्लेशनरी गैप बन गया। गैप बन गया कैसे गैप बनेगा, एग्रीगेट डिमांड नॉर्मल वाला, इसके ऊपर चला जाएगा ग्राफ आपका एक्चुअल वाला। तो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड ये है और इसके नीचे है एग्रीगेट डिमांड। अब ये दोनों के बीच में जो गैप है वो इन्फ्लेशनरी गैप है। अब इस चीज़ों को हम आपको फिगर से समझाते हैं, फिगर से समझाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए इसी के लिए हमने फिगर लंबा चौड़ा बना के रखा है। देखिए यह है रिलेशंस ऑफ इनकम ऑन एक्स एक्सिस एंड रिलेशंस ऑफ एडी ऑन वाई एक्सिस। तो नीचे इनकम ले लेंगे और इधर इनकम विथ रिलेशन ऑफ एडी। आप देखिए पहले तो एएस का ग्राफ प्लॉट किए एग्रीगेट सप्लाई, फिर नॉर्मल एडी का ग्राफ प्लॉट किए। अब इसके ऊपर एडी डैश जा रहा है, एडी डैश को हम आपको दिखा देते हैं। एडी डैश ये आपका है, तो एडी डैश आपके एडी से ऊपर फ्लो कर रहा है। ये देखिए ये एडी से ऊपर एडी डैश फ्लो कर रहा है, ये गैप बना रहा है। तो यही गैप जो बना रहा है ब्लैक पेन से मैंने जो यहाँ पर कलरिंग किया है, यही गैप आपका बना रहा है इन्फ्लेशनरी गैप। यही गैप क्या बना रहा है, इन्फ्लेशनरी गैप। मतलब आपका जो इसको आप कहेंगे एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज़्यादा हो गया एग्रीगेट डिमांड से। तो ये आपका हो गया एडी डैश को आप एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड कहिए, जो कि ज़्यादा है किससे, एग्रीगेट डिमांड से। एक तो ये कह सकते हैं, नहीं तो आप ये कहिए कि ये जो है आपका क्या है, एक्चुअल डिमांड है जो ज़्यादा हो गया है आपके प्लान डिमांड से। आपने जो प्लान किया था डिमांड उससे भी ऊपर आपका, आपने जो प्लान किया था डिमांड उससे ऊपर एक्चुअल डिमांड चल गया। तो व्हेन एक्चुअल डिमांड इज ग्रेटर देन प्लान डिमांड तो एक्सेस डिमांड वो कहलाएगा, उसके बीच में इन्फ्लेशनरी गैप बनेगा। व्हेन योर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड तो वहां पर भी एक्सेस डिमांड का नेचर बनेगा, वहां पर भी इन्फ्लेशनरी गैप बनेगा, इन्फ्लेशन राइज करेगा। तो पूरा मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, जब एक्सेस डिमांड होगा डिमांड भागेगा लोग मार्केट की ओर, डिमांड कैसे भागता है, लोग के पास आता है पैसा, और लोग आदमी जब होता है पैसा तो पैसा लेकर मार्केट की ओर भागता है और सामान को खरीदता है, सामान को कंज्यूम करता है, सामान को खरीदता है कंज्यूम करता है तो क्या होता है, मार्केट में मनी फ्लो बढ़ जाता है, मार्केट में करेंसी का फ्लो बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन बूम कर जाता है। ठीक है, तो व्हेन देयर शुड बी द एक्सेस डिमांड देयर शुड बी ए इन्फ्लेशनरी, क्या बोलो, इन्फ्लेशनरी गैप। चलिए व्हाट आर द रीजन, तो ये ग्राफ को बढ़िया से देख लेना। अब आइए हम लोग रीजन देखते हैं, व्हाट आर द रीजन। तो रीजन को जूम आउट कर देते हैं, थोड़ा सा और कम कर दीजिए। हाँ, तो व्हाट आर द रीजन, एक मिनट, तो व्हाट आर द रीजन फॉर एक्सेस डिमांड माय डियर स्टूडेंट। तो रीजन ये है सर कि राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम समझाने की जरूरत नहीं है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब कंज्यूमर कंजम्पशन ज्यादा करने लग गया। कंजम्पशन ज्यादा करने का मतलब डिमांड बढ़ गया, बात देखो एक है, आप कंजम्पशन करने लगे इसका मतलब आप डिमांड को बढ़ा रहे हैं। सर मेरे पास दो फोन है सर, बहुत लोगों के पास एक फोन है, मैं ये मतलब एग्जैग्रेट नहीं कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर मेरे पास एंड्रॉयड भी है सर, मेरे पास आईफोन भी है सर, काम तो इससे भी चल सकता था लेकिन मैंने आईफोन भी ले लिया। तो आईफोन लेने का मतलब है कि हमने मार्केट में डिमांड को बढ़ा दिया, इन्फ्लेशन को बढ़ा दिया। मेरे जैसे अगर बहुत सारे लोग एंड्रॉयड आईफोन दोनों खरीद रहे हैं तो जाहिर सी बात है एंड्रॉयड और आईफोन दोनों का प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि जब जब डिमांड बढ़ेगा तब तक इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जब तक कंजम्पशन बढ़ेगा तब तक एक्सेस डिमांड बढ़ेगा, तब तक प्राइस बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, दिमाग में डाल लो। द एक्सेस डिमांड विल रीच इन्फ्लेशन एंड प्राइस विल गोज अप। तो राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूमर, वही कहा गया जब कंज्यूमर इंक्रीज करेगा कंजम्पशन तो डिमांड बढ़ जाएगा मार्केट में और वो इंक्रीज द लेवल ऑफ डिमांड करेगा। रिडक्शन इन टैक्स सेकेंड रीजन है कि अगर टैक्स कम हो गया। एक बात बताओ, पहले मान लो हमें 30% टैक्स लगता था, जैसे मेरे कमाई है, एक मिनट सुनो, मेरा कमाई है 100 रुपया जिसमें 30% टैक्स लगता था, तो 30 रुपया हटा दो 70 रुपया बच रहा है। अब तो ये 70 रुपया मेरा इनकम है, टैक्स काट के जो मेरे को पैसा मिलेगा वही मेरा इनकम है। अब हमको यही 70 रुपया चलाना है, यही 70 रुपया हमें
चलाना है, यही 70 रुपया में हमें सेविंग भी करना है, कंजम्पशन भी करना है। अब क्या हुआ कि टैक्स रेट घट गया, टैक्स रेट घट गया मान लो 20% हो गया, तो 100 में से 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 80। अब हमारे पास 80 रुपया बच गया मेरे भाई, अब मेरे पास कितना रुपया बच गया, 80 रुपया बच गया, मतलब पहले से 10 रुपया एक्स्ट्रा मेरे पास बच गया। तो अब मेरे पास 10 रुपया एक्स्ट्रा बचेगा तो मैं क्या करूंगा, मार्केट दौड़ूंगा, सामान खरीदूंगा, डिमांड को बढ़ाऊंगा, डिमांड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ड्यू टू द रिडक्शन इन टैक्स, टैक्स घटेगा तो कंज्यूमर लेफ्ट विथ मोर एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा इनकम बढ़ेगा, एक्स्ट्रा इनकम खर्च होगा, डिमांड बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? फॉल इन एक्सपोर्ट, फॉल इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट फॉल करेगा और सॉरी माय डियर स्टूडेंट, फॉल इन इंपोर्ट, वही सोचे एक्सपोर्ट क्यों बोल रहे हैं, फॉल इन इंपोर्ट, ये एक्सेस डिमांड का नेचर है, रीजन है कि अगर इंपोर्ट कम हो गया है, इंपोर्ट कम हो गया है तो डिमांड बढ़ गया। अरे सीधा सा बात है भाई, मान लो हम टमाटर एक्सपोर्ट करते थे, क्या एक्सपोर्ट करते थे, टोमेटो, तो टमाटो अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो पहले तो हमको ये देख लेना है ना कि हमारे देश में कितना खपत है। ऐसा थोड़ी है कि हम अपना देश का खपत छोड़ करके हम बाहर एक्सपोर्ट कर देंगे। तो अगर टोमेटो का डिमांड बढ़ रहा है, ध्यान से सुनना, अगर टोमेटो का एक्सेस डिमांड बढ़ रहा है तो वो टोमेटो को क्या हम एक्सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे, वो टोमेटो को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा इंपोर्ट हो जाएगा। कहने का यहां पर मतलब है कि फॉल इन इंपोर्ट, फॉल इन इंपोर्ट का मतलब क्या है कि इंपोर्ट में तो हम क्या कर रहे हैं, सामान को बाहर से मंगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फॉल इन इंपोर्ट क्यों फॉल कर गया, हम बाहर से सामान को मंगा रहे हैं। राइज इन एक्सपोर्ट, तो फॉल इन इंपोर्ट का क्या रीजन है विद कनेक्टेड टू द एक्सेस डिमांड, तो देखिए यहां पर डिक्रीज इन इंपोर्ट, अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं इंपोर्ट में ड्यू टू हायर इंटरनेशनल प्राइस, हमारा इंटरनेशनल प्राइस बाहर में महंगा हो गया है तो हम इंपोर्ट को कम कर रहे हैं, तो डिक्रीज इन इंपोर्ट ड्यू टू हायर इंटरनेशनल प्राइस इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिक प्राइस, डोमेस्टिक प्राइस के अनुसार इंटरनेशनल प्राइस महंगा हो गया है, मे लीड टू एक्सेस डिमांड एज द डिमांड फॉर इंपोर्टेड प्रोडक्ट एंड नाउ टू बी सेटिस्फाइड बाय द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से अब सेटिस्फाइड आपको होना पड़ेगा। क्यों भैया, डिक्रीज इन इंपोर्ट क्यों हुआ, ड्यू टू द हायर इंटरनेशनल प्राइस, इंटरनेशनल प्राइस महंगा हो गया, तो जब इंटरनेशनल प्राइस महंगा हो गया डोमेस्टिक प्राइस सस्ता हो गया, बाहर से सामान मंगाएंगे नहीं मंगाएंगे, तो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट का डिमांड क्या हो गया, बढ़ेगा, एक्सेस डिमांड हो जाएगा। तो व्हेन देयर शुड बी द एक्सेस डिमांड ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जब हमारे देश का बना हुआ प्रोडक्ट का एक्सेस डिमांड होगा, जब हमारे देश का बना हुआ प्रोडक्ट का एक्सेस डिमांड होगा, ध्यान से समझ रहे हैं ना, जब हमारे यहाँ देश के बने हुए प्रोडक्ट का एक्सेस डिमांड होगा तो हम बाहर से सामान क्यों मंगाएंगे भाई, बाहर से सामान क्यों इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। और जब हमारा डिमांड, जब हमारा एक्सेस डिमांड बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट पर बढ़ावा देंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे, हम सामान को, क्योंकि भैया हमारे यहाँ डिमांड बन रहा है, हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सामान को एक्सपोर्ट करके पैसा कमाएंगे, इंपोर्ट कम कर देंगे। तो जब हमारे यहाँ एक्सेस डिमांड होगा, देखो ये रीजन है, दिस इज द रीजन फॉर एक्सेस डिमांड, तो एक्सेस डिमांड कैसे बढ़ रहा है, ध्यान से सुनना, एक्सेस डिमांड कैसे बढ़ रहा है, हम क्या किए, जो सामान इंपोर्ट करते थे उसको कम कर दिए, ठीक है, हम जो सामान, देखो प्रैक्टिकली सोचना, हम जो सामान इंपोर्ट करते थे उसको रोक दिए, ठीक है, हम जो सामान इंपोर्ट करते थे उसको हम रोक दिए, तो हम जो सामान इंपोर्ट करते थे उसको रोक दिए, और जो हम एक्सपोर्ट करते थे, जिस चीज़ों को एक्सपोर्ट करते थे उसको इंक्रीज कर दिए, राइज कर दिए, तो क्या है कि जो सामान हमारे यहाँ बन रहा था, सीधा सा बात है, हमारे यहाँ जो सामान बन रहा था उसको क्या कर दिया, हम आगे एक्सपोर्ट फटाफट कर रहे हैं, और जो सामान हमारे यहाँ नहीं बन रहा था, इंपोर्ट कर रहा था, हमारे यहाँ नहीं बन रहा था जिसको हम इंपोर्ट करते थे, उस पर रोक लगाएं, क्यों, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ा, हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, एक्सेस डिमांड होगा तो
इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो आपका सीधा सा बात है कि डिमांड भी बढ़ेगा। कैसे इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट करोगे तो क्या आएगा भैया? इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओगे तो क्या आएगा? रिटर्न। इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओगे तो क्या आएगा मेरे बालक? रिटर्न। रिटर्न आएगा मतलब प्रॉफिट। अच्छा, आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो क्या करोगे? मार्केट जाओगे। मार्केट जाओगे तो क्या करोगे? डिमांड को बढ़ाओगे। डिमांड को बढ़ाओगे तो क्या होगा? इन्फ्लेशन। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट खर्चा करेगी, रोड बनाएगी, ट्रांसपोर्ट सर्विस अच्छा करेगी, तो लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार। लोगों को रोजगार मिलेगा तो क्या मिलेगा? पैसा, सैलरी। पैसा, सैलरी मिलेगा तो क्या करेगा? डिमांड बढ़ाएगा। डिमांड बढ़ने से क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा। तो देख रहे हैं ना, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो दीज आर द मेजर रीजन फॉर एक्सेस डिमांड। अब आइए इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड, व्हाट आर द इम्पैक्ट? देयर आर द थ्री इम्पैक्ट। तीन इम्पैक्ट को हम समझाने की आपको पूरी कोशिश करेंगे कि इम्पैक्ट क्या पड़ता है आपके एक्सेस डिमांड का। तो इफेक्ट ऑन आउटपुट, जब डिमांड आपका ज़्यादा बढ़ जाता है तो आउटपुट में क्या इफेक्ट पड़ता है? तो एक्सेस डिमांड डज नॉट अफेक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट एज द इकोनॉमी इज ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग अ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए, आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला कि जब सैनिटाइजर प्रोड्यूस हो रहा था तो जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब है जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है, जो मैक्सिमम सप्लाई है, उतना हम दे रहे हैं। अगर मैक्सिमम सप्लाई हम दे रहे हैं 100 बोतल का, हम मैक्सिमम सप्लाई दे रहे हैं 100 बोतल ऑफ सैनिटाइजर, लेकिन डिमांड 200 बोतल ऑफ सैनिटाइजर चल जा रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि हम 200 बोतल ऑफ सैनिटाइजर का प्रोडक्शन कर देंगे। नहीं, प्रोडक्शन इतना जल्दी इंक्रीज थोड़ी हो सकता है। तो जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो 100 बोतल ऑफ सैनिटाइजर हम कर रहे थे, लेकिन डिमांड 200 बोतल का चला गया, ये एक्सेस डिमांड जा रहा है भैया, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इफेक्ट ऑन आउटपुट में क्या है कि व्हेन द एक्सेस डिमांड बढ़ेगा तो हम अपने लेवल ऑफ आउटपुट पर कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम मैक्सिमम सप्लाई कर ही रहे हैं, उससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट पर क्या फर्क पड़ेगा? एक्सेस डिमांड डज नॉट अफेक्ट द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, एज देयर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। एम्प्लॉयमेंट पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब है कि यहाँ पर मैक्सिमम लोगों को काम मिल रहा है, एक्सेस डिमांड हो चुका है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। देखो, डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा ना, डे टू डे प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो लोग की जरूरत पड़ेगा, लोग की जरूरत पड़ेगा तो काम करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। साथ साथ अगर एक्सेस डिमांड होगा तो मैंने क्या बोला? एक्सेस डिमांड होगा तो सामान महंगा होता है। मैंने बोला ना, 100 बोतल ऑफ सैनिटाइजर प्रोडक्शन हो रहा है, डिमांड 200 बोतल तक चल गया है, तो अब उसको फुलफिल करने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम 100 बोतल ही प्रोडक्शन कर पाएंगे, लेकिन 200 बोतल ऑफ डिमांड जा रहा है तो लोग क्या करेगा? बोतल को छुपाना शुरू करेगा, क्योंकि बोतल तो कम सप्लाई हो रहा है, उस बोतल का दाम बढ़ा करके बेचेगा। एक्सेस डिमांड इक्वल टू इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब ही होता है सामान का वैल्यू बढ़ना। इसी के लिए इफेक्ट ऑफ जनरल प्राइस लेवल का यहाँ मतलब हो गया, यहाँ पर एक्सेस डिमांड होगा तो आपका प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ेगा। तो ड्यू टू द एक्सेस डिमांड द जनरल प्राइस लेवल ऑफ इकोनॉमी राइज नोन एज इन्फ्लेशन। एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, दिस लीड टू बी इन्फ्लेशन, एंड इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस में राइज करना। ठीक है, बात को समझे। आइए डेफिशिएट डिमांड्स को देखते हैं, डेफिशिएट डिमांड को भी देखेंगे, फिगर समझेंगे, रीजन समझेंगे, इंपैक्ट समझेंगे। डेफिशिएट डिमांड क्या होता है? जस्ट उल्टा, एक्सेस डिमांड का उल्टा, डेफिशिएट डिमांड। तो यहां पर डेफिशिएट डिमांड क्या होगा सर? इट रेफर्स टू ए सिचुएशन जिसमें क्या है कि आपका जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाएगा एग्रीगेट सप्लाई से, मतलब एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, तो यहां पर आपका डेफिशिएट डिमांड हो जाएगा, डेफिशिएट डिमांड। डिमांड क्या हो जाएगा? डेफिशिएट कर जाएगा। इन अदर वर्ड, इट रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट टू द एग्रीगेट, ये क्या लिख दिया भैया? इट रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट टू द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड फॉर अ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। मतलब नॉर्मल जो हमारा, जो यहाँ पर एक तरह से हम कहेंगे ना, जो हमारा प्लान एग्रीगेट डिमांड था, जो हमारा प्लान एग्रीगेट डिमांड था कि भैया इतना डिमांड जाएगा, लेकिन उतना डिमांड नहीं गया, एक्चुअल डिमांड हमारा प्लान डिमांड से कम हो गया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं व्हेन एक्चुअल डिमांड
यहाँ पर है कि एक्चुअल डिमांड जब कम हो जाएगा प्लान डिमांड से तो हमारा वहाँ पर क्या होगा, डेफिशिएंट डिमांड होगा। क्योंकि हम मान लो प्लान किए हैं कि 100 क्वांटिटी बिकेगा, एक्स वाई जेड प्रोडक्ट कोई भी ले लो, हम मान के चल रहे हैं कि 100 क्वांटिटी बिकेगा, लेकिन 100 क्वांटिटी नहीं बिका, 80 क्वांटिटी ही बिका। तो एक्चुअल डिमांड 80, प्लान डिमांड 100, डेफिशिएंट डिमांड। तो डेफिशिएंट डिमांड, और इसे भी वर्ड मिल रहा है डी फॉर डेफिशिएंट, डी फॉर डिफ्लेशनरी गैप, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो डेफिशिएंट डिमांड जब होगा तो डिफ्लेशनरी गैप होगा, मतलब प्रोडक्ट का प्राइस गिरेगा। क्यों? क्योंकि जितना प्लान किए थे उतना डिमांड नहीं गया, लोग उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं खरीदने का, तो जाहिर सी बात है उस क्वांटिटी का प्रोडक्ट गिरेगा, उस क्वांटिटी के प्रोडक्ट का प्राइस गिरेगा। चलो, और डिफ्लेशनरी गैप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। डिफ्लेशनरी गैप इज अ गैप, डिफ्लेशनरी गैप एक गैप है जिसमें एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल कर रहा है। अभी बोले एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल कर रहा है, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड मतलब एडी डैश फॉल कर रहा है ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एडी मतलब यहाँ पर क्या होगा, एडी डैश इज लेस देन एडी, तो एडी डैश लेस देन एग्रीगेट डिमांड, दिस मीन्स अ डेफिशिएंट डिमांड, डिफ्लेशनरी गैप, और इस्टेब्लिश्ड अ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये इस्टेब्लिश अ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब है कि हम प्रोडक्शन उतने ही मैक्सिमम लेवल पर कर रहे हैं, हम मैक्सिमम लेवल पर प्रोडक्शंस कर रहे हैं, लेकिन डिमांड मेरा उतना जा नहीं रहा है, डिमांड कम ही रह जा रहा है। तो चलिए पहले ग्राफ को समझते हैं, ग्राफ आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ए एस का ये ग्राफ है, यहाँ पर आप देखिए ए एस का ग्राफ है, ठीक है, और फिर ए डी का नॉर्मल ग्राफ है, और ए डी डैश यहाँ पर इस बार नीचे है, उसमें क्या था एक्सेस डिमांड में ऊपर था, लेकिन ए डी डैश डेफिशिएंट डिमांड में नीचे है। इसको लिख देते हैं डेफिशिएंट डिमांड का ग्राफ है, डेफिशिएंट डिमांड का ग्राफ है, डेफिशिएंट डिमांड का ग्राफ है जिसमें एडी डैश एडी से नीचे है, एडी डैश एडी से नीचे है, एडी डैश यहाँ पर कम है एडी से, तो यहाँ पर डेफिशिएंट डिमांड बन रहा है, डिमांड गिरते हुए दिख रहा है। देखो ना, एक्चुअल डिमांड का लाइन ये है, तो एक्चुअल डिमांड का लाइन ये है, तो इसको कहेंगे प्लांट एग्रीगेट डिमांड। ये हमारा प्लान था कि इतना तक जाएगा, लेकिन नीचे चला गया, कौन, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड हमारा जाकर नीचे चला गया। तो ये इसके बीच में जो गैप बनेगा वो बनेगा डिफ्लेशनरी गैप, यहाँ क्या होगा, प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज करेगा। चलिए तो रीज़न समझते हैं वाई डेफिशिएंट डिमांड, डिमांड डेफिशिएंट क्यों हो जाता है। तो फिर से वही सब पॉइंट उठा कर लाए हैं, सर डिमांड मेरा क्यों गिर रहा है, सर बताइए ना कारण, बताइए सर क्यों मेरा डिमांड गिर रहा है, सर हम इतना अच्छा से प्रोडक्शंस कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हमारे प्रोडक्ट का डिमांड क्यों गिर रहा है। तो बेटा सबसे पहला बात है कि आपका कंजम्पशन कम हो गया है, कस्टमर आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं कर रहे हैं, या आप ये भी समझ सकते हो कि जैसे लॉकडाउन मार लग गया, या मान लो लॉकडाउन लगेगा, ऐसे बात नहीं कह रहे कि कोई लॉकडाउन लगने वाला है, मतलब एक बात कह रहे हैं कि मान लो लॉकडाउन लगा था, जब हमारे देश में लॉकडाउन लगा था, तो हम जब पहली बार कोरोना वेव आया और लॉकडाउन लगा, तो उस समय हम लोग क्या थे, हम लोग आराम से प्रोडक्शंस कर रहे थे, प्रोडक्ट बना रहे थे। एक बार गवर्नमेंट अनाउंस किया कि भैया संपूर्ण लॉकडाउन, तो हमने तो प्रोडक्ट बना करके रखा हुआ है, लेकिन देश में लग गया संपूर्ण लॉकडाउन, तो लोग क्या कर गए, घर में स्टे कर गए, घर में रहने लगे, मार्केट में नहीं आए, मेरा प्रोडक्ट बिका ही नहीं, कंजम्पशन हुआ ही नहीं, मतलब हमने पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन करना था हमने उतना प्रोडक्शन ऑफ गुड्स किया, लेकिन लॉकडाउन लगने के कारण लोग घर पर ही रह गए, हमारे पास नहीं आए, प्रोडक्ट नहीं खरीदाया, कंजम्पशन नहीं बढ़ा, तो हमारा डिमांड प्रोडक्ट का क्या हो गया, डेफिशिएंट कर गया, कम हो गया। तो व्हेन द कंज्यूमर डिक्रीज कर दे कंजम्पशन लेवल को, या विड्रॉ कर दे द लेवल ऑफ डिमांड फ्रॉम द इकोनॉमी, हैंस क्रिएट द कंडीशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, का कंडीशन क्रिएट हो जाता है। टैक्स बढ़ गया तो समझ सकते हो, वहां देखो एक्सेस डिमांड में टैक्स घटा था, यहां टैक्स बढ़ेगा। तो पहले टैक्स था 30, मान लो 100 में 30 टैक्स में कट जाता था 70, अब मान लो टैक्स 40 हो गया, तो 100 में मान लो 40 कट गया, तो अब मेरे पास 60 बचा, तो पहले 70 रुपया था खर्च करने के लिए, अब मेरे पास 60 रुपया खर्च करने के लिए, 10 रुपया कम और हो गया। तो जितना पैसा कम होगा, आपका इनकम मान लो हम कम कर देंगे, तो आप उतना जितना सोच के रखे थे कि खर्च करना उतना कर पाओगे, जितना कंजम्पशन के लिए करने के लिए सोच रखे थे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो सीधा सा बात है यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट डिमांड हो जाएगा। फिर राइज इन एक्सपोर्ट, यहाँ उल्टा हो जाएगा, एंड फॉल इन इम्पोर्ट, इसको समझाते हैं, पहले फिफ्थ एंड सिक्स को समझिए।
फॉल इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फॉल कर गया मतलब रिटर्न कम आ रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, मार्केट अब कूद कूद के नहीं जाएंगे, मार्केट कूद कूद के नहीं जाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट का डिमांड गिर जाएगा, प्रोडक्ट का डिमांड जैसे गिरेगा प्राइस गिर जाएगा, इन्फ्लेशन की जगह डिफ्लेशन आ जाएगा। और डिफ्लेशन का मतलब होता है व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट फॉल्स डाउन। डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट किसी चीज़ पे खर्च करना बंद कर देगा तो हो सकता है कि बहुत जगह पर रोजगार खत्म हो, एम्प्लॉयमेंट खत्म होगा तो लोग के पास सैलरी नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो मार्केट नहीं जाएगा, मार्केट नहीं जाएगा तो डिमांड नहीं होगा, दिस राइज टू डिफ्लेशंस। अब आइए समझिए राइज इन एक्सपोर्ट एंड फॉल्स इन इम्पोर्ट। अब है क्या सर, बात क्या है सर कि हमारे यहाँ डेफिशिट डिमांड हो गया है, तो यहाँ पर बात क्या है कि वैन द डोमेस्टिक प्राइस इज हायर देन द इंटरनेशनल प्राइस। हमारे यहाँ डोमेस्टिक प्राइस हायर हो गया है, हमारे यहाँ डोमेस्टिक प्राइस हायर हो गया है देन द इंटरनेशनल प्राइस, इंटरनेशनल प्राइस कंपेरिजन में लोअर हो गया डोमेस्टिक प्राइस से, तो जाहिर सी बात है इंक्रीज द इम्पोर्ट ऑफ द कंट्री विच कॉज कंडीशन ऑफ एक्सेस सप्लाई इन द इकोनॉमी, हैंस द एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई, डेफिशिट डिमांड यहाँ पर होगा ऑफ फॉल्स इन इम्पोर्ट। तो देखो इसको प्रैक्टिकली चीज से समझाना चाह रहे हैं कि वॉट आर द रीजन फॉर द मतलब एक्स डेफिशिट डिमांड हुआ है, डिमांड डेफिशिट हो रहा है तो हम राइज क्यों कर रहे हैं एक्सपोर्ट को। कारण ये है सर कि हमारा डिमांड जो डेफिशिट हुआ तो हमारे यहाँ अब सामान बिकने वाला नहीं है, ठीक है। कारण ये हो सकता है कि हमारे यहाँ देश में प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया होगा, बात समझिएगा। डेफिशिट डिमांड होने का कारण राइज इन एक्सपोर्ट क्यों बन रहा है, राइज इन एक्सपोर्ट इसलिए कारण बन रहा है कि सर मान लीजिए स्पेन का डिमांड अब हमारे यहाँ है नहीं, कारण हो सकता है कि स्पेन का प्राइस बढ़ गया होगा, लेकिन इतना बढ़ गया है कि इंटरनेशनल के कंपैरिजन में डोमेस्टिक प्राइस बढ़ा हुआ है, स्पेन का डोमेस्टिक प्राइस बढ़ा हुआ है लेकिन विदेश में इसका दाम सस्ता है, तो अब हम क्या करेंगे, स्पेन को अपने देश में नहीं बेचेंगे, स्पेन को हम क्या करेंगे दूसरे देश में बेचेंगे, क्यों, क्योंकि वहाँ वहाँ पर स्पेन का वैल्यू सस्ता है अपने यहाँ से, तो हम एक्सपोर्ट को बढ़ा देंगे, हम एक्सपोर्ट को क्या कर देंगे राइज कर देंगे, क्योंकि ये हमारे यहाँ डिमांड नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ प्राइस बढ़ गया है। तो स्पेन का प्राइस हमारे यहाँ मतलब डोमेस्टिक प्राइस, तो हमारे यहाँ स्पेन का प्राइस बढ़ गया है, लोग इसको खरीद नहीं रहे तो बेच देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। और फॉल्स इन इम्पोर्ट मतलब हम अपने यहाँ इम्पोर्ट नहीं करवाएंगे कोई भी सामान को, क्योंकि भैया हाथ जोड़ते हैं हमारे यहाँ डिमांड ऐसे ही फॉल किया हुआ है, लोग के पास पैसा नहीं है, लोग के पास पैसा नहीं है तो कहाँ से खरीदेगा भैया, इसी के लिए हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे एक्सपोर्ट करेंगे। जा 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 वाट आर द इम्पैक्ट ऑफ डेफिशिएट डिमांड, डेफिशिएट डिमांड होगा तो क्या क्या खतरा हो सकता है। इफेक्ट ऑफ आउटपुट, आउटपुट तो हम पूरा निकाल रहे हैं लेकिन ले कोई नहीं जा रहा है, ड्यू टू डेफिशिएट डिमांड देयर इज इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ अनसोल्ड गुड, अनसोल्ड गुड मतलब जो सामान नहीं बिक पाया उसका क्वांटिटी बढ़ जाएगा, वही बात ना कह रहे हैं कि सामान बनाकर कर दिए थे तैयार लेकिन कोरोना के कारण देश में लग गया संपूर्ण लॉकडाउन, तो क्या हो गया हमारा आउटपुट, जो माल बिकने वाला था ठप कंटेनर में पड़ा का पड़ा रह गया, अब हमारे कंटेनर में पड़ा का पड़ा रह गया तो अब हम क्या करेंगे, हमारा फैक्ट्री बंद हो गया, हम क्या करेंगे, लोगों को निकालेंगे क्योंकि हमारा इनकम हो ही नहीं रहा, हमारा प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है, सेल नहीं हो रहा है, कहां से हम पैसा कमाएंगे, हम पैसा कमाएंगे तब ना किसी को सैलरी देंगे। तो जब डेफिशिएट डिमांड होगा तो देयर इज कॉज ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को समझा देते हैं। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है मान लो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति मान लो 50,000 में काम करना करने लायक था, इसका टैलेंट इतना था कि 50,000 में काम करे, लेकिन डिमांड डेफिशिएट हो गया, कंपनी बंद होने लगा, लॉकडाउन लग गया, कंपनी घाटे में जाने लगी, कंपनी बहुत सारे लोगों को निकालने लगी कि भैया हम तुमको सैलरी नहीं दे पाएंगे, जाओ निकलो निकलो, इस आदमी को जो 50,000 मिलता था कंपनी बोली बेटा तू 20,000 में काम करेगा तो बोल तेरे को रखेंगे नहीं तो नहीं रखेंगे, तो बोला कि भैया बेरोजगार होने से बढ़िया कि 20,000 पर कमा लेंगे। तो कहने का मतलब है द वेज द पर्सन हु वर्क इन अ प्रिवेलिंग वेजेस, प्रिवेलिंग वेजेस मतलब जो हम कह दे रहे हैं उतने पर काम करना होगा उससे ज़्यादा हम नहीं देंगे, तो द पर्सन हु वर्क इन अ प्रिवेलिंग वेजेस उसको कहते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो डेफिशिएट डिमांड में क्या होगा, हमारा इकोनॉमी में आ जाएगा भूचाल, हमारा प्लान आउटपुट गिर जाएगा, लोगों में बेरोजगारी बढ़ जाएगा। और जनरल प्राइस लेवल में अभी हम कहें नाम है डिफ्लेशन, तो डिफ्लेशन होगा तो क्या होगा प्राइस गिरेगा,
क्यों? क्योंकि डिमांड नहीं है तो उस प्रोडक्ट का प्राइस गिरना ही है। तो याद रखना, जिस प्रोडक्ट का डिमांड उस प्रोडक्ट का प्राइस जाएगा ऊपर, जिस प्रोडक्ट का डिमांड नहीं उसका प्राइस जाएगा नीचे। मतलब डेफिसिट डिमांड, प्राइस नीचे, डिफ्लेशन। एक्सेस डिमांड तो प्रोडक्ट का प्राइस ऊपर, इन्फ्लेशन सब प्राइस ऊपर। ठीक है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से समझ गए। एक बार आपको वो कमेंट आ रहा है इस पर, आपको इस चीज़ों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपको इसमें समझा देते हैं एक बार फिर से। एक्सेस डिमांड में एक्सपोर्ट इंपोर्ट, हाँ देखो चलिए, एक्सेस डिमांड है। देखिए अब यहां पर ध्यान से समझिएगा थ्री एंड फोर्थ पॉइंट को। हमारे यहां डिमांड क्या है बेटा? एक्सेस है। हमारे यहां डिमांड एक्सेस है, अपुन को जरूरत किसी और से नहीं है। हम अपना ही देश का पूंजी खाएंगे, हम अपने देश का प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो हम कहीं और देश से सामान क्यों मंगवाएंगे? नहीं मंगवाएंगे। ठीक है, तो हमारा एक्सेस जब डिमांड हो जाएगा, दूसरे देश से पूंजी नहीं मंगवाएंगे, अपने देश का सामान सस्ता हो गया है। क्योंकि एक्सेस डिमांड हो गया, जाहिर सी बात है कि स्पेन का डिमांड बढ़ गया तो जाहिर सी बात है स्पेन का प्राइस गिर गया होगा। तो जब स्पेन का प्राइस गिर गया तो इसका डिमांड, स्पेन का प्राइस गिर गया तो यहीं का लोग, मतलब डोमेस्टिक प्राइस जब गिर गया तो डोमेस्टिक के लोग सारे पेन खरीद लिए, तो अब बाहर क्यों बेचेंगे? बात समझ रहे हो ना? तो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? फॉल इन इंपोर्ट। हम सामान बाहर से नहीं मंगवाएंगे, सामान इसलिए नहीं मंगवाएंगे क्योंकि हमारे देश में ही हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट यूज हो रहा है। यही पर कंपैरिजन करना था, फॉल इन इंपोर्ट हो गया। यहां पर क्या था, एक चीज, एक कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कॉन्सेप्ट। फॉल इन इंपोर्ट वहां पर भी एक है आपका, फॉल राइज। एक मिनट, लेट मी चेक यहाँ कॉन्सेप्ट में तो कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हमें कुछ लगा है डाउट। यस, फॉल इन एक्सपोर्ट यहां वही होगा, फॉल इन एक्सपोर्ट। राइज इन इंपोर्ट, वही सोचे दोनों सेम कैसे रिपीट कर रहा भैया, बच्चों लोग का कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा। एक्सपोर्ट, फॉल इन एक्सपोर्ट, राइज इन इंपोर्ट। चलिए अब सही है, राइज इन इंपोर्ट। तो यहां पर क्या था फिर से बता देते हैं क्यों हमें ऐसा लगा। तो यहां पर बात यह था ना कि डेफिसिट डिमांड हो गया था। डेफिसिट डिमांड का मतलब हमारे यहाँ भैया कोई अब जरूरत वरूरत है नहीं है, पैसा वैसा नहीं है, सामान का दाम महंगा हो चुका है, तो हम एक मिनट, हाँ, तो फॉल इन एक्सपोर्ट एंड राइज इन इंपोर्ट होगा डेफिसिट डिमांड में। तो डेफिसिट डिमांड में आपका जो फॉल इन एक्सपोर्ट होगा, हाँ, डेफिसिट डिमांड में जो आपका फॉल इन, डेफिसिट डिमांड में जो आपका फॉल इन एक्सपोर्ट होगा, तो हम एक्सपोर्ट कम करेंगे क्योंकि हमारा डिमांड क्या है भैया, सिंपल सा देखो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गया था फॉल राइज में। ठीक है, तो फिर से एक बार हम ब्रश अप कर देते हैं सिर्फ यही दो पॉइंट को, थ्री एंड फोर पॉइंट को डेफिसिट में
और एक्सेस डिमांड में भी 3-4 पॉइंट को एक बार लास्ट में सुन लीजिए बढ़िया से, क्योंकि अंत में मान लीजिए रिपीट हुआ होगा तो कन्फ्यूज़न भी हो गया होगा, इसलिए ध्यान सुन लीजिए। डेफिसिट डिमांड हुआ है मतलब हमारा डिमांड क्या हो गया, कम हो गया है, तो हम सामान को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम सामान को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ डिमांड क्या हो गया प्रोडक्ट का, डेफिसिट कर गया है। ठीक है, लोग नहीं ले रहे हैं, बल्क ऑफ प्रोडक्ट हमारे यहाँ रखा हुआ है तो हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम सामान को इम्पोर्ट करवा करके उस सामान को यूज़ करेंगे। लेकिन एक्सेस डिमांड जब हो रहा था, चलते हैं एक्सेस डिमांड में, जब डिमांड एक्सेस है मतलब आप उनको चाहिए तो चाहिए, किसी शर्त पर चाहिए, तो एक मिनट, हाँ एक्सेस डिमांड जब हो गया था जब हमारे यहाँ एक्सेस डिमांड जब हो गया है तो फॉल इन इम्पोर्ट होगा, इम्पोर्ट एक्सेस डिमांड हो गया है तो हमारे यहाँ क्या होगा, फॉल इन इम्पोर्ट होगा, क्योंकि हम यहाँ पर चाहेंगे कि हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो। ठीक है, हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो तो एक्सेस डिमांड बढ़ गया, एक्सेस डिमांड बन गया तो हम लोग फॉल इन इम्पोर्ट मतलब हम बाहर से सामान को नहीं मंगवाएंगे, फॉल इन इम्पोर्ट का मतलब बाहर से सामान नहीं मंगवाएंगे, अपने देश का प्रोडक्ट को यूज करेंगे क्योंकि डिमांड मेरा एक्सेस हुआ हुआ है, एक्सेस लो का डिमांड है। अरे भैया सैनिटाइजर मेरे यहाँ जुटी नहीं रहा है, हम प्रोडक्शंस कर रहे हैं जुटी नहीं रहा है, बाहर क्या भेजेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सामान को फॉल इन इम्पोर्ट यहाँ पर सेंस यह बन रहा है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट को यूज करेंगे, हम बाहर से सामान को नहीं इम्पोर्ट करवाएंगे, बाहर से सामान को इम्पोर्ट नहीं करवाएंगे, फॉल इन इम्पोर्ट करेंगे क्योंकि हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट को यहाँ पर यूज करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीज इन इम्पोर्ट ड्यू टू द हायर इंटरनेशनल प्राइस, इंटरनेशनल प्राइस हायर है, डिक्रीज इन इम्पोर्ट इसलिए ड्यू टू हायर इंटरनेशनल प्राइस इन कंपेरिजन टू डोमेस्टिक प्राइस, तो डोमेस्टिक प्राइस सस्ता है तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट यूज होगा, इंटरनेशनल प्राइस यूज नहीं होगा। और राइज इन एक्सपोर्ट, एक्सेस डिमांड है तो हम यहाँ पर एक्सपोर्ट को हाई कर देंगे, याद रखिएगा एक्सेस डिमांड में क्या होता है, फॉल इन इम्पोर्ट, राइज इन एक्सपोर्ट, एक्सेस डिमांड में, एक्सेस डिमांड में इम्पोर्ट कम होता है एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, और डेफिशिट डिमांड में आपका होता है फॉल इन एक्सपोर्ट, राइज इन इम्पोर्ट, उल्टा। ठीक है, तो आई होप आप चीज़ों को अच्छे समझ गए होंगे, अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्रे अकेडमी में आपका स्वागत है। कंटेंट एंड कॉन्सेप्ट को इजी वे में समझाने की पूरी कोशिश किया हूँ, अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक, दोस्तों के बीच में शेयर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दिस इज प्रणव कुमार साइनिंग ऑफ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए जोश नए उमंग के साथ, टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए प्रकैडमी।